आज माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश MPML कोर्ट रामपुर के न्यायालय में जो है जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट MPML कोर्ट के द्वारा अब्दुल्ला आजम खां श्रीमती संजीव फातिमा को 18 अक्टूबर को 7 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, उसके विरुद्ध तीनों अभियुक्तगण द्वारा अपील दायर की गई थी। उस अपील का आज निर्णय आना था और माननीय न्यायालय ने जो अधीनस्थ न्यायालय का दोष मुक्ति का आदेश था, निर्णय था 18 अक्टूबर का, उसकी पुष्टि की है। माननीय अपीली न्यायालय ने कहा है कि अवर न्यायालय का जो निर्णय है 18/10/2023 का, जिसमें 7 वर्ष की सजा दी गई है, उसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है, वह संपुष्टि करने योग्य है और तीनों अभियुक्तों का जो है अपील खारिज किया गया है। सर, जो पड़ोसी वाला मामला था, पड़ोसी वाला मामले में जो है वो मामला सेशन ट्रायल मामला था, वो भी जजमेंट आज नियत थी, वह मामला माननीय न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया है। बुधवार उस निर्णय का परिशीलन हुआ अभी, तो चारों अभियुक्त बरी हो गए उस वाले मामले में जो सेशन ट्रायल मामला था, जिसमें पड़ोसी ने मुकदमा लिखाया था मारपीट का और रंगदारी मांगने का, उस मुकदमे में दोषमुक्त किया गया है चारों लोगों का। जो नीचे से सजा हुई थी 7 वर्ष डबल जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला था, उसमें पुष्टि किया गया है उनकी अपील खारिज हुई है, जो सजा बरकरार रहा। तीनों तंजीम फातिमा भी आई थी आज? नहीं आज वो नहीं, फातिमा नहीं आई थी। सर, चार जो मामले जो बरी हुए कौन कौन लोग हैं उसमें? उसमें शरीफ खां हैं, बिलाल अहमद हैं, मोहम्मद आजम खां हैं यार, और अब्दुल्ला आजम खां हैं, जिसको कि मोहम्मद अहमद ने वर्ष 2019 में प्लाट को के संबंध में मुकदमा वगैरह दर्ज कराया था, वो सत्र न्यायालय में चला था, वही संपूर्ण परीक्षण सत्र न्यायालय में हुआ है वो।